देश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार एक बड़ी योजना का जल्द ही शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 14 बड़े मेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे। नीति आयोग की मदद से शिपिंग मिनिस्ट्री इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है। सभी रोजगार क्षेत्रों को कई वित्तीय व गैर वित्तीय लाभ दिए जाएंगे, जिनमें निश्चित अवधि के लिए टैक्स से छूट, पूंजी जुटाने पर राहत और सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी एक ही जगह सभी अनिवार्य आदेशों की प्राप्ति आदि शामिल होंगी। ये सुविधाएं इन रोजगार क्षेत्रों को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने वाली कंपनियों को नव सृजित रोजगार की संख्या के आधार पर मिलेगी। शिपिंग मिनिस्ट्री ने इन 14 राष्ट्रीय रोजगार क्षेत्रों की स्थापना स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट के तहत तटीय राज्यों में किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इन क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से श्रमिक आधारित वस्त्र, चमड़ा और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों के अलावा फूड, सीमेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के 35 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे। शुरुआती आंकलन में इन रोजगार क्षेत्रों में अपेक्षित बुनियादी ढांचों के निर्माण पर 1,00,000 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है, जिसे केंद्र और संबंधित राज्य सरकार आधा आधा हिस्सा वहन करेगी। साथ ही राज्य सरकार को कम से कम 2,000 एकड़ का एक प्लॉट देना होगा। इसके अलावा बहुपक्षीय एजेंसियों से भी फंडिंग प्राप्त की जाएगी, क्योंकि इन रोजगार क्षेत्रों में 4,00,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आने का अनुमान है।